जय श्री राम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज है हनुमान जयंती, तो उसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सभी मिलकर बोलिए जय श्री राम। तो आगे हम अभी हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे, तो आप हमारे साथ चलिए और मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस चैनल पर मैंने अभी 3-4 दिन से लगातार आपको मार्कंडेय ऋषि शिलाट में हुए कार्यक्रम की झलकियाँ दिखाई थी। तो वहाँ पे मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, तो मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि ऐसी प्रतिष्ठा आपने नहीं देखी होगी जहाँ पे बिल्कुल मतलब कोई बलि नहीं लेगी। तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट ऐसे भी आए थे कि ये इस तरह के नहीं होते, लेकिन उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जीव हत्या पाप है, वो नहीं होनी चाहिए, जो मेरा अपना मानना है। बाकी मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे वहाँ पे अच्छा लगा, तो मैंने वही वीडियो में बताया कि वहाँ पे जीव हत्या नहीं हुई, तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई। तो और जगह जैसे बलियाँ बहुत होती है, तो हमें दिल को बहुत ठेस पहुँचती है, लेकिन देव रीति में ऐसा होता होगा, तो मैं उस पर तो नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि अब देव संस्कृति को भी मानना पड़ता है, अपने अपने वाली बात है। लेकिन जो मेरा अपना मानना है, तो ये गलत है, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वो वीडियो में बताया। तो आज जैसे हनुमान जयंती, तो आपको पता हनुमान जयंती हनुमान जी भी इस चीज़ को बिल्कुल निषेध करते हैं, मांसाहार वगैरह को, तो हम तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो जो लोग मानते हैं, तो उनकी अपनी अपनी इच्छा है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स, हमारी गौशाला में भी आइए और गौसेवा में हमारा साथ योगदान ज़रूर दीजिएगा। तो आज हमने भी हनुमान जयंती मनाई, तो उसके बाद मैं अब जा रहा हूँ ड्यूटी। तो अभी बस पूजा पाठ करने के उपरांत मैं फ्री ही हुआ था, तो उसके बाद मैं तैयार होकर जाऊँगा ड्यूटी। तो मैं फ्रेंड्स आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी गौशाला में आएँ और गौसेवा में अपना योगदान ज़रूर दें। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता हूँ कि आप गौसेवा में हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जाते जाते मैं जब ड्यूटी जा रहा था, तो रास्ते में मुझे हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा जाते हुए दिखी, तो मैंने उसका वीडियो कैप्चर किया है। तो आप देखिए ये वीडियो और बने रहिए मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।